नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में रहने वाले फिरोजता और बगदादी, जिनका आरोप है कि मुंबई के गोवंडी इलाके के शिवाजी नगर के रहने वाले गुलाम मुस्तफा कादरी के साथ में उन्होंने आपस में पार्टनरशिप डील किया था। साल 2014 में कोपर खैरनी इलाके में खैरनी गांव में रहने वाले मोहम्मद इस्माइल पटेल के प्लॉट को 50-50% ज्वाइंट वेंचर में डेवलपमेंट करने के लिए था, जिसमें बिल्डिंग का भी 80% काम पूरा ही हुआ था कि अचानक सिड़कों में दिनांक 4 मार्च 2017 को ये बिल्डिंग गैरकानूनी बनी है, यह बताकर अपनी कार्यवाही करते हुए बनी इमारत को तोड़ के तहस नहस कर दिया, जिसके बाद फिरोज दाऊद बगदादी के घर पे उनका पार्टनर गुलाम मुस्तफा कादरी, जो कि अपने कुछ साथीदार गुंडे को लेकर उनके घर में घुसकर उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया और बोला, पीड़कों ने जो कार्यवाही की है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने जितना पैसा लगाया है वो और मेरा जितना प्रॉफिट निकलता है वो सब मुझे चाहिए, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, ऐसा कहते हुए वह बगदादी के घर से निकल गया। इस घटना के बाद फिरोज बगदादी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा दिया। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करते हुए गुलाम मुस्तफा कादरी के ऊपर आई किसी धारा 144, 449, 449, 453, 504, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा होने के बावजूद भी गुलाम मुस्तफा कादरी अपने गुंडों के साथ मिलकर फिरोज दाऊद बगदादी और उनके परिवार को जान से मारने का प्रयास लगातार कर रहा है। मेरा नाम फिरोज बगदादी है, मैं सानपाड़ा नवी मुंबई में रहता हूँ। मेरा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है और रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन का मेरा काफ़ी काम है निवाम में। 2014 में मैं कोपरकेरना में खेरने गांव में गुलाम मुस्तफा कादरी, जो रहने वाला गवंडी का है शिवाजी नगर का, उसके साथ मिलके एक पार्टनरशिप में काम किया था और वो काम किया हमने साथ में मिलके और 80% काम कंप्लीट होने के बाद वो सिटको ने उसको 4/3/2017 में डिमोलिश किया और इसके अंदर जो है मेरे और उसके पैसे लगे थे, जबकि मेरे ज़्यादा पैसे लगे हुए थे। और डिमोलिश होने के बाद गुलाम मुस्तफा कादरी, ये इसमें 55 लाख रुपए लगे थे, 35 लाख रुपए मेरे लगे थे और 20 लाख रुपए उसके लगे थे। और जब ये टूटा 4/3/2017 को, तो ये गुंडे नेचर का आदमी, ये इसकी अंडरवर्ल्ड में सब संपर्क, ये साठगांठ है, और इसने बोला मुझे ये सिटको ने तोड़ा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे मेरे लगे हुए पैसे प्रॉफिट के साथ चाहिए। और इसने उस मामले में मेरे पर हमला बोल दिया मेरे घर पे सनपाड़ा के 12/3/2017 को मेरे घर में इसने अपने गुंडों साथी के साथ मेरे पर हमला किया और मेरी घर में घुस के बहुत ज़्यादा पिटाई की और मुझे डराया, धमकाया और मुझे बोला प्रॉफिट के साथ मेरा पैसा नहीं मिला तो तुझे और तेरे घर वालों को मार के डालेंगे करके। और इस मामले में सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है और लेकिन दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस इसके घर पे इधर FIR दर्ज होने के बाद कई टाइम आके ये की, लेकिन ये घर से फरार हो जाता था और ये पुलिस को मिलता नहीं था, पुलिस बुलाने के बावजूद भी आता नहीं था। लेकिन न्यू बॉम्बे में ये और इसके साथीदार मुझे और मेरे घर वालों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, हमारे सोसाइटी की तरफ ये हो रहे थे और पूरे न्यू बॉम्बे में मुझे मारते फिर रहे थे, डराते फिर रहे थे। तो उस मामले में नेरुल पुलिस स्टेशन ACP ऑफिस और NRI पुलिस स्टेशन, इधर भी इनके ऊपर NC हुए है और चैप्टर हुए। कुल मिला के मेरे मामले में एक FIR, 2 NC और 1 चैप्टर हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आया और ये इसी तरीके से मेरे को डरा रहा है, धमका रहा है। मुझे जो कर रहा है वो गुलाम मुस्तफा कादरी है, रहने के लिए शिवाजी नगर में है। बाद में आगे चल के जब ये मामला हुआ, तब जब मैंने उसकी रिकॉर्ड निकाली तो ये और इसका भाई मुजफ्फर कादरी, ये दोनों हिस्ट्री शीटर है, इनके ऊपर 17 से भी अधिक गुनाह दाखिल है बॉम्बे के अनेक पुलिस स्टेशनों में और नवी मुंबई के अनेक पुलिस स्टेशनों में।
17 से भी ज़्यादा गुना दाखिल है इनके ऊपर, और ये दोनों हिस्ट्री शीटर है। इनकी एक गैंग है जो घरपोड़ी करती है, घरों में डाके डाल के सोना लूटना और घर के सामानों को लूटना, और ये सारे जो है इनको लोगों को डराना धमकाना, ये सारे जो महाराष्ट्र के चोटे हैं ये सारे लोग जो है इनको चोरे चोरावा सामान जो है इनको लाके बेचते हैं। ये अपने शिवाजी नगर के भट्टी में गलाते हैं उसको और बड़े दाम पे बेचते हैं। ये इनका सबसे मेन कारोबार है। लेकिन आज तक इतने गुना इनके ऊपर दाखिल होने के बावजूद भी, ये दोनों भाइयों के ऊपर, ये हिस्ट्री शीटरों के ऊपर, लेकिन आज तक कभी पुलिस ने और प्रशासन ने इनके ऊपर कड़ा रुख नहीं अपनाया। ये सारे गुना जो है, कम से कम 14 गुना जो है वो ये भट्टी पे हुए, जो भट्टी में सोना गलाया गया चोरी का, और ये सारे सब FIR में होने के बावजूद भी ना ये भट्टी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना ये दोनों भाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। और ये भाई लोग जो है ये मुंबई के अलग अलग जगहों पे और नवी मुंबई के अलग अलग जगहों पे अपने गैंग के साथ लोगों के ऊपर अपनी दहशत ये कर रहे हैं, लोगों के ऊपर लोगों को डरा रहे, धमका रहे। और इसी मामले में सानपाड़ा पुलिस स्टेशन ने पूरे न्यू बॉम्बे के जो इनके रिकॉर्ड है वो शिवाजी नगर को भेजे और बोले कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो, इनको तड़ी पार करो, क्योंकि ये लोग जो है ये काफ़ी उधर हल्ला मचा रहे। लेकिन ये कर सब करने के बावजूद भी अभी तक शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने इनको ना तड़ी पार किया है, ना इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की है। तो यही मामला है। मेरी यही रिक्वेस्ट है पुलिस से, प्रशासन से, कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको तड़ी पार किया जाए, क्योंकि ये कुकर गुंडे हैं, इनकी गैंग है, और इनके इनसे मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि इनसे जो सानपाड़ा पुलिस स्टेशन ने जो भेजा है इनके इनको तड़ी पारी करने के लिए, जो इनका पूरा रिकॉर्ड न्यू बॉम्बे का, तो उसके ऊपर अमल किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाते हुए इनको तड़ी पार किया जाए।